शिमला नागरिक सभा ने शिमला में पानी की कमी के गंभीर संकट को लेकर उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर खाली बर्तन बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिक सभा ने सरकार व नगर निगम शिमला से शहर की जनता को हर रोज पानी उपलब्ध करवाने की मांग की। शिमला नागरिक सभा का कोई आरोप नहीं है, जो सच्चाई है वही हम जनता के बीच में रख रहे हैं और हमें जनता के बीच में उस बात को रखने की आवश्यकता नहीं है, जनता उसको भुगत रही है। पांचवें दिन पानी आ रहा है और वो पानी का प्रेशर इतना कम होता है, वो चढ़ता नहीं है टंकियों पर, तो अल्टीमेटली वो पांचवें दिन भी पानी नहीं आता है। और स्थिति ये है कि शहर के अंदर जगह जगह पर जो जनता है उसको प्राइवेट टैंकर जो है मंगवाने पड़ रहे हैं, हजारों रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। आप चले जाइए जहां जहां हैंडपंप से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, घंटों बाद जो है नंबर आता है, जो बाबड़ियां हैं उनसे भी पानी उठाया जा रहा है और कितना गंदा पानी जो है लोग जो है उसको भर रहे हैं। तो जो दावे थे ये ट्रिपल इंजन के और जिस तरीके से ये घोषणा थी कि इन पिछले पांच वर्षों में जब से ये नगर निगम आई है और प्रदेश की सरकार आई है, देखिए बड़ी मजेदार बात है, एक ही दल की दोनों है, नगर निगम भी उनकी है और सरकार भी उनकी है। और बड़ी बात यह है कि जो शहरी विकास मंत्री हैं वो भी शिमला से हैं। स्थिति जो है 2018 की तरह हो गई है, जब जो एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी उस दौरान और जो टूरिस्ट तक को रोक दिया गया था, आज स्थिति बड़ी भयावह है। पानी मिल नहीं रहा है लोगों को, पानी जब आता है उसका टाइम भी नहीं पता है लोगों को, रात को 11 बजे आएगा कि 1 बजे आएगा, सुबह 4 बजे आएगा, कितना प्रेशर होगा, कितना पानी मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी अगर आप फोन करेंगे आप में से भी कोई तो ये बताया जाता है कल पानी आएगा, सुबह सुबह आप करेंगे, शाम को आएगा, शाम को करेंगे, अगले दिन का बात की जाती है। तो कुल मिलाकर जो एजेंसी थी ये सारी, नगर निगम, प्रदेश सरकार, शिमला जल प्रबंधन निगम और इसके साथ साथ जो जल शक्ति विभाग, क्योंकि शिमला शहर के अंदर जो खास तौर पर जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं मस्ट इलाके जहां पर आज भी आईपीएच बड़े पैमाने पर जो है पानी की सप्लाई देता है। एमसी का पानी पांच दिन में आएगा और आईपीएच का पानी जो है 6 से 8 दिन के बाद आएगा। जनता कहां जाए, जनता तो ये कह रही है कि हमें पानी दो और उस पर जो है कोई जवाब मिलता नहीं है नगर निगम की ओर से, सरकार की ओर से जो है पूरा कोई उसमें सक्रिय जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं है, नगर निगम की ओर से कोई भूमिका नहीं है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ही सारी चीजें चल रही है। तो इस बात को लेकर जो आज का प्रदर्शन हमने किया है और हम ये मांग करते हैं कि हर दिन जनता को पानी मिलना चाहिए। मुझे याद है जिस वक्त 30 MLD पानी भी था शहर के अंदर, उस दिन भी हर दिन पानी मिलता था, हो सकता है कम समय के लिए मिलता हो लेकिन मिलता था। आज जो है आप 41 और 36 MLD पानी से पांचवें दिन भी पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है पूरे सिस्टम के अंदर, कहीं ना कहीं जो भूमिका है नगर निगम की वो कटघरे में है। जो SJPNL आपने बताया था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, SJPNL की जैसी संस्था आपने खड़ी की और जो ये आपने दावे किए कि शहर की हम जो है दिशा और दशा पूरी बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, तस्वीर आज दिख रही है जनता को भी, पूरे सब जगह दिख रही है। तो इसके खिलाफ शिमला नागरिक सभा ने ये प्रोटेस्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।